घूमने हैं और उसके बाद हम जाएंगे घर पर। तो ये देखिए सानिया आ गया, मेरी छोटी बहन, जो मुंह दिखाती है अपना। और अभी हम हैं रास्ते में, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। और आप लोग कहते हैं मैं लड़कों की तरह बैठती हूँ, लड़की की तरह बैठती हूँ, फ़ोन ऐसे पकड़ा होता है तो लगता है कि जैसे लड़कों की तरह बैठी हूँ। तो अभी हम रास्ते में अभी हम जा रहे हैं आगे। मट्टी है फ्रेंड्स, ये देखें इतनी प्यारी मट्टी है, और मुझे ये मट्टी बहुत पसंद है। देखें कितनी शाइन कर रही है। और ये देखें ये है सीवियो, लोग आए हैं यहाँ पर। घर जाने लगी थी तो फिर मेरी भाभी कहती कि चलो आज थोड़ा कहीं घूम आए, फिर पता नहीं कब आना है कब नहीं आना। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हम इंटर हो रहे हैं, वो सामने देखिए पानी है, और अभी हम जाएंगे पानी में। और ये है मेरा भाई आर्यन, हेलो तुम। ससुराल थी तो काफ़ी थक भी गई हूँ, क्योंकि हम तो घर ही आ रहे थे। तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि मेरी भाभी कहती कि आप जा रहे हो, फिर पता नहीं कब आओगे। तो फिर हम घूमने चले गए थे सीवियो, तो वहाँ से आए हैं तो फ्रेश वगैरह हुए हैं। बच्चे मेरे सो गए हैं, सिर्फ टाइम सोया है, खुशी नहीं सोई। और घर में काफ़ी गंद पड़ा हुआ है, क्योंकि आई थिंक 2 वीक के बाद ही हम घर पर आए हैं। 2 अप्रैल को गए थे तो काफ़ी थक गए हैं हम लोग, और आके भी थोड़ा फ्रेश हुए हैं। तो अभी मैं थोड़ा घर संभालने लगी हूँ, और सुबह फिर करूँगी सफाई। इतना गंद नहीं है, बस कपड़ों का ही ज़्यादा गंद है, क्योंकि वो धोकर गई थी तो वो सारे बिखरे हुए थे। अचानक की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से हमें जाना पड़ा था, वरना हम तो उस दिन शॉपिंग करने जा रहे थे। आपको पता है हमारा ईस्टर था 4 अप्रैल को, और 2 अप्रैल को हम जा रहे थे शॉपिंग करने, तो मेरे बड़े पापा की डेथ होगी। तो बस
खुदा उनके घर वालों को रहने की सब्र दे और उन्हें ठंडी जगह पे रखे। और बस, और ये मैं कहना चाहती हूँ कि अब मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँगी तो आप प्लीज़ मुझे भूलेगा नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा कमेंट्स पढ़ के, जिनके कमेंट्स आ रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रही, और इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे। तो अब मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँगी और कुछ अलग लाऊँगी वीडियो में। और एक और बात, मुझे एक बात आप लोगों की बहुत बुरी लगी, क्योंकि जैसे आप मुझे, मतलब कोई मेरी बात बुरी लगती है आप मुझे बोलते हो, तो मैं भी आपको ये कहना चाहती हूँ। 2-3 कमेंट्स आए थे, उन्होंने कहा था वो जो मैंने आपको बोला था कि वो हमारा क्रिस्टैनिटी के लिहाज से हमारा वो चैनल है तो आप उधर जाएँ। तो 2-3 कमेंट्स आए थे, उन्होंने हमें कहा था कि हम क्यों जाएँ, हम मुसलमान हैं, आप क्रिस्टन हैं, ये वो है। तो हमने तो कभी नहीं सोचा कि मुसलमान अलग हैं या हम क्रिश्चियन अलग हैं या हिंदू अलग हैं। हमने कभी किसी को अलग नहीं सोचा, हम सबको ही प्यार करते हैं। मज़हब जो भी है, इंसान तो एक ही होता है और इंसानियत तो इंसानियत होती है। तो मैंने तो कभी नहीं ऐसा सोचा, बट कोई बात नहीं, मुझे बुरा लगा तो इसलिए मैंने आपसे कह दिया, जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था। तो भला अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप नहीं जाएँ, तो बट ऐसे बोलना नहीं चाहिए था आपको, क्योंकि मुझे काफ़ी बुरा लगा। और चले, अभी मैं घर पे आ गई हूँ और बस अभी ये मेरी जो मेकअप थोड़ा रह गया उसकी बर्बादी शुरू हुई है। देखिए खुशी क्या करे, खुशी हेलो करो, हेलो खुशी की हमने चिंदी करवा दी है। और बस अभी घर पर आ गई और खुशी लग गई है मेरी ड्रेसिंग टेबल के साथ उसका ड्रॉस खोलने के लिए कि अभी उसमें से मेकअप निकाल के बर्बाद करूँ। तो बस अभी हम लोग काफ़ी घूमे, काफ़ी इंजॉयमेंट की है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ और अभी सुबह ही काम करूँगी। और यासिर भी आ गए हैं, बट यासिर उधर बंद है, बेस में रहते हैं, तो उन्होंने बंद कर दिया, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया है 10 दिन के लिए। तो वो 10 दिन बाद आपको नज़र आएंगे। तो आज मैं सीवियो गई थी, तो आपको पता है सीवियो जो तो कलर काफ़ी डल हो जाता है और मेरा कलर काफ़ी डल हो गया है। तो बस अभी, और अगर जो मैंने आपको बात बोली है तो आपको अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माजरा चाहती हूँ। बट मुझे भी बहुत बुरा लगा था कि आपने कहा था कि नहीं हम क्यों जाए उस चैनल पे। तो अगर आप नहीं जाना चाहते तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, बट प्लीज़ आप ऐसे नहीं बोला करें, क्योंकि मज़हब एक ही है, भले मुसलमान है या भले क्रिश्चियन है, इंसानियत तो इंसानियत है। और हमने कभी नहीं ऐसा सोचा कि मुसलमान अलग है या क्रिश्चियन अलग है, इंसान तो इंसान ही है। बट चले कोई बात नहीं, तो बस आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करें, अपनी दुआओं में याद रखें। और अभी रेगुलर मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं अब अपने घर आ गई हूँ, ससुराल में थी और वहाँ पे एक टाइम नहीं मिलता था। और सेकंड ये बड़े पापा की डेथ हुई हुई थी, तो दिल भी नहीं करता था वीडियो मेरा बनाने का, कि बड़े पापा की डेथ हो गई थी मेरे, तो इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और बस इसी तरह आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों के लिए अच्छे लाऊं। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी तो व्यूज़ भी कम हो गए हैं। तो आप सबसे मैं यही गुजारिश करती हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँगी तो आप प्लीज़ मेरी चैनल पर आएँ, विज़िट करें। तो तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।